Hello students, welcome to the fourth video lecture of the topic inverse trigonometry. हम आज से पहले तीन lectures study कर चुके हैं. inverse trigonometry के तीन lectures हो चुके हैं. तो उन तीन lectures में हमने exercise number 2.1 तक सीख लिया था. अब इसके आगे एक्सरसाइज 2.1 का जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को. तो अभी तक हम 6 क्वेश्चन तक स्टडी कर चुके हैं. अब हम शुरू कर रहे हैं 7th क्वेश्चन. आप देख सकते हैं क्वेश्चन 7th में क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the following expressions. यहाँ कुछ inverse trigonometric figures उतरी हुई हैं. हमें उन सब figures को evaluate करना है, उन सब expressions को evaluate करना है हम लोगों को. तो first part क्या है. first part है sin inverse sin 2 pi upon में 3. तो अगर हम इस expression को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आता है. वो आंसर क्या है कि साइन से साइन को कैंसिल आउट कर दो और 2 पाई अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा. बट अगर हम देखें तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आंसर साइन इनवर्स की जो रेंज होती है उस रेंज के अंदर फॉल ही नहीं कर रहा. आप देख सकते हैं 2 पाई अपॉन में 3 does not belongs to the range of sine inverse, that is minus 2 pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 से pi by 2. ये जो range है sine inverse की उस range के अंदर 2 pi upon में 3 fall नहीं कर रहा. तो इसीलिए अब क्या हो सकता है. तो हमें ये जो अंदर का हिस्सा है 2 पाई अपॉन में 3, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जाके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे. तो आओ देखते हैं. तो साइन 2 पाई अपॉन में 3 सॉल्व कैसे होता है. इसके लिए आप 2 पाई अपॉन 3 जो हिस्सा है आप उस और कंसंट्रेट करो. तो हमें 2 पाई अपॉन 3 को स्प्लिट करना पड़ेगा. और वो स्प्लिट कैसे होगा. 2 पाई को आप लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई. फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे ये हिस्सा बन जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3. सो नाउ वी हैव साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाय 3. अब ये बन गया साइन पाई माइनस थीटा फॉर्म. साइन पाई माइनस पाई बाय 3 साइन पाई माइनस थीटा वाली फॉर्म में है. तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, आप इधर से देख सकते हैं. साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा. तो इसीलिए हम साइन पाई माइनस पाई बाय 3 को लिख देंगे साइन पाई बाय 3. और इसके बाद आप जानते हैं क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आया है पाई अपॉन में 3. और ये आंसर साइन इनवर्स की जो रेंज होती है उसी रेंज में फॉल कर रहा है. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह ही होगा. आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट है टैन इनवर्स टैन 3 पाई बाय 4. तो इसमें भी पहले टैन 3 पाई बाय 4 वाला जो हिस्सा है वो भी सिंप्लीफाई होगा. तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, हम 3 पाई बाय 4 को इस तरह उतार सकते हैं. 3 पाई को लिख दिया 4 पाई माइनस पाई, फिर उसके अपॉन में 4 है. फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ आप देख सकते हैं ये आ जाएगा टेन पाई माइनस पाई बाय 4. तो अब हमारे पास क्या स्टेप है, टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाय 4. आपको स्टेप तक ईजिली समझ में आ रहा होगा.
अब अगर हम इसके आगे देखते हैं तो टेन पाई माइनस पाई बाय फोर टेन पाई माइनस थीटा फॉर्म है. टेन पाई माइनस पाई बाय फोर इज इन द फॉर्म टेन पाई माइनस थीटा एंड वी नो डैट टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा. टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हम टेन पाई माइनस पाई बाय फोर को लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाय फोर. अब क्या होना चाहिए इसके आगे? इसके आगे अगर हम देखें तो ये टेन इनवर्स माइनस एक्स वाली फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाय फोर इज़ इन द फॉर्म टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड वी नो डैट टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स. तो टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाय फोर को हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाएगा. फिर उसके बाद हम जानते हैं क्या होना है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर रह गया माइनस टेन पाई बाय फोर. और जो ये आंसर है माइनस टेन पाई बाय फोर वो टेन इनवर्स की जो रेंज होती है उसी रेंज के अंदर ही फॉल कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है. अब देख सकते हैं सिमिलरली इसके आगे वाले दो पार्ट्स और हैं वो भी इसी ढंग से ही होने हैं. अब देख सकते हैं मैं आता हूँ उस पेज पर. जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाय सिक्स. तो इसमें भी हमें कॉस सेवन पाई बाय सिक्स वाला जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो हम सेवन पाई को लिख सकते हैं सिक्स पाई प्लस पाई, फिर जो अपॉन का जो सिक्स है हम वो दोनों टर्म्स के अपॉन में उतार देंगे, जैसे कि सिक्स पाई के अपॉन में पाई, फिर सॉरी सिक्स पाई के अपॉन में सिक्स और पाई के अपॉन में सिक्स. आ रहा होगा आप लोगों को समझ में ये चीज़. फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई होने पर ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाय सिक्स, क्योंकि हमने सिक्स से सिक्स को काट दिया था तो इसलिए यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय सिक्स रह गया. तो ये फाइनली हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय सिक्स. ओके, अब यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला क्या है, ये कॉस पाई प्लस पाई बाय सिक्स इज़ इन द फॉर्म कॉस पाई प्लस थीटा. ये कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बना रहा है और कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के. अच्छा, तो इसलिए हम कॉस पाई प्लस पाई बाय सिक्स को लिख देंगे माइनस कॉस पाई बाय सिक्स एज पर दी फॉर्मूला. अब इसके बाद क्या होगा, ये अगेन यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है बिकॉज दिस टर्म स्पेसिफिकली दिस टर्म इज़ इन द फॉर्म कॉस इनवर्स माइनस एक्स. ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाली फॉर्म के अंदर आ रहा है एंड वी नो डैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. सो डैट इज़ वाई फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय सिक्स. और उसके बाद हम जानते हैं क्या होगा, कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास रह गया पाई माइनस पाई बाय सिक्स एंड ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गेट फाइव पाई बाय सिक्स एज आर आंसर. और ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि ये कॉस इनवर्स की रेंज के अंदर ही फॉल कर रहा है. सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट भी इसी ढंग से ही सॉल्व हो जाएगा. आप इसे देख सकते हैं, नो एक्सप्लेनेशन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. आप इसे जस्ट रीड कर लीजिए. ओके, इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं. अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 8 है.
क्वेश्चन नंबर 8th में दो पार्ट हैं, तो आओ हम लोग इन्हें शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8th में क्या है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग, इन फिगर्स को इवेल्यूएट करो। पहला पार्ट क्या है, टैन इनवर्स एंड विद इन अ ब्रैकेट टू कोस, अगेन उसके साथ एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में क्या है, टू साइन इनवर्स 1/2। तो हमें इस फिगर को इवेल्यूएट करना है। ये इवेल्यूएट कैसे होगी, आओ देखते हैं। हमें अंदर वाला जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, हमें उधर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटे ब्रैकेट में है टू साइन इनवर्स 1/2, तो हम 1/2 की ओर कंसंट्रेट करते हैं। तो साइन इनवर्स के हिसाब से हम 1/2 को क्या उतार सकते हैं, तो 1/2 होता है साइन 30 degree, और वी कैन से डैट साइन पाई बाय 6। तो इसीलिए हमने 1/2 को साइन पाई बाय 6 लिख दिया। फिर उसके बाद हम जानते हैं क्या होगा कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 2 pi/6, 2 × π/6। फिर इसके अंदर ही हम 2 से 6 को काट सकते हैं। 2 से 6 को काटने के बाद हमारे पास आ गया पाई के अपॉन में 3। इज इट ओके, ओके। फिर अब हमारे पास फाइनली रह गया टैन इनवर्स विद इन अ ब्रैकेट 2 cos π/3, एंड वी अब जो ये cos π/3 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 का मतलब होता है cos 60 degree, एंड वी नो डैट cos 60 degree इज इक्वल टू 1/2। तो इसीलिए cos π/3 की जगह पे 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, सो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट tan इनवर्स 1। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan इनवर्स के हिसाब से 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स tan π/4, और उसके बाद tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया π/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8th के सेकंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन विद इन अ ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। हमें इस फिगर को इवेल्यूएट करना है। तो हम शुरू करते हैं, अंदर जो हिस्सा उतरा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, पहले हमें इस हिस्से को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आओ देखते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इज फाउंड इन द फॉर्म साइन इनवर्स -x। जो ये साइन इनवर्स -1/2 है, वो साइन इनवर्स -x वाली फॉर्म के अंदर है, और वो इक्वल होता है -sin inverse x के। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इन अबव फिगर वी गेट -sin inverse 1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल हो गया -sin inverse 1/2 के। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे -(-), ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो सकता है, अब हम साइन इनवर्स 1/2 वाला जो हिस्सा है उसे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन इनवर्स के हिसाब से हम 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं। इसे साइन π/6 लिखने के बाद साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास यहाँ π/6 बच गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, साइन विद इन अ ब्रैकेट π/3 प्लस π/6। अब इसी हिस्से की सिंप्लीफिकेशन होगी, एलसीएम होगा इसमें, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट साइन 3π/6। साइन 3π/6 आ गया हमारे पास, और उसके बाद आप 3 को 6 से काट सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे साइन π/2 रह गया, यानी कि साइन 90 degree, एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 degree इज 1। तो इस पार्ट का आंसर है 1। अब देख सकते हैं, तो ये थी एक्सप्लेनेशन, एडिशनल
क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड थे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।